ओ माय गॉड, BTS आर्मी। वैसे तो इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आने में अभी एक हफ्ता है, लेकिन ऐसा लगता है हमारी BTS आर्मी के लिए दिवाली एक हफ्ते पहले ही आ गई है, क्योंकि बांगटन बॉयज़ के सरप्राइजेस इस हफ्ते रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर चाहे वो BTS की डांस मशीन जीहोप का मिलिट्री से वापस आना हो, आर्मी का आज हाइप के नीचे शुगा के लिए प्रोटेस्ट करने का हो, या फिर जिनकी कमबैक एल्बम के टीज़र का, आर्मी इन सभी सरप्राइजेस से उभर नहीं पाई थी कि आज सुबह सुबह एक और अनबिलीवेबल सरप्राइज आर्मी को पता चला कि उनके फेवरेट के पॉप आइडल जंगकुक भी मिलिट्री से बाहर आए हुए हैं और उन्हें अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड मिंग्यू के साथ एक कोरियन रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था, जिसे लेकर सुबह सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं। हुआ कुछ यूं कि वियतनाम की एक लड़की जो कोरिया में रहती है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, और अनबिलीवेबली ये लड़की भी एक BTS आर्मी है, और इसका कल एक बहुत बड़ा सपना फाइनली पूरा हो गया जब इसके ही रेस्टोरेंट में अचानक से BTS सुपरस्टार जॉन जंगकुक अपने दोस्त मिंग्यू और DK के साथ पहुंच गए, और इसने पहली बार जंगकुक से मिलने का यही पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बताया जा रहा है कि जंगकुक अपने ह्यूंग जेहोप से डिस्चार्ज के बाद मिलने के लिए शायद अब आए हैं, अब उन्हें छुट्टी मिली है, और इसी के बीच वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाकर टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये लड़की बताती है कि जंगकुक को देखते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगी, तो जंगकुक इसे समझाते हैं इट्स ओके, और फाइनली फिर ये जंगकुक को बोलती है कि इसने जंगकुक को बहुत मिस किया, तो जंगकुक इसे हैंडशेक करते हुए बोलते हैं वेट करो, फिर फाइनली जंगकुक को ये बोलती है कि जंगकुक आप बहुत स्वीट और प्यारे हो, और ये इतनी इमोशनल हो जाती है कि जंगकुक को ये बाउल और चॉपस्टिक देना भूल जाती है, तो जंगकुक इसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, फिर इसे लेकर ये जंगकुक को सॉरी बोलती है, तो जंगकुक बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी की इसमें क्या बात, और फिर फाइनली इस फैन को अपना ऑटोग्राफ देते हैं जो इस फैन ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, और इस तरह फाइनली जंगकुक और इस फैन की मुलाकात हुई, और फैंस जंगकुक के वापस आने पर, वैकेशन पर आने पर बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी आप लोगों को ये मुलाकात कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।